भाजपा सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में लोगों के सचमुच में अगर अच्छे दिन आए हैं तो वे उन मुद्दों पर देश में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। ये बात प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अमन सेठी व सोलन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोहित शर्मा ने सोलन में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अमन सेठी व सोलन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोहित शर्मा ने सोलन में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मोदी ने 2014 के इलेक्शन में बात की थी कि अगर उन्हें जिताएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि कहां गए उनके अच्छे दिन। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे दिन आए होते तो प्रधानमंत्री सेना और राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को मुद्दों से नहीं भटकाते। उन्होंने कहा कि भाजपा के चारों प्रत्याशी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मोदी सेना के नाम पर। जिला सोलन कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में जमीनी स्तर पर लोगों के काम किए होते तो उन्हें सेना के नाम पर वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हिमाचल प्रदेश जो भाजपा के चारों घोषित प्रत्याशी है वह केवल और केवल जो है वह राष्ट्रवाद के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट मांगकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा प्रश्न जो है कांग्रेस पार्टी का उनसे सीधा प्रश्न ये है कि क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी सांसद ने प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है जो उन्होंने कार्य किए और कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जो वह हिमाचल के अंदर लेकर आए और इस बात का जवाब दें और लोगों को ये बताएं कि जो उनसे पहले 2 सांसद संसद के अंदर थे एवं जो जिनको नहीं टिकट मिला उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कार्य किया है और केवल जो है वो कार्यों के नाम पे वोट करें और लोगों को भ्रमित करना बंद करें। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था अच्छे दिन का। अगर आज अच्छे दिन आ गए हैं जो कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वह अच्छे दिनों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं लोगों से। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।